हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि सर अभी क्या करना है, वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं या नहीं, या किस तरीके से हमें मतलब काम वगैरह करना है। तो मैं बता दूँ कि आप सभी को पता है कि मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है वो 11 मई यानी कि पिछले दिन से स्टार्ट हो चुका है। बीते हुए कल से आज उसका सेकेंड डे है। सभी बच्चे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम कुछ आ रही है या समझने में दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई भी बच्चा ऐसी चीज़ जिसे नहीं आती हो उसे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको गिनती नहीं आ रही है तो आपको शर्माना है, या ABCD नहीं आ रही है, या ऐसे अनार ये सब चीज़ें नहीं आ रही है, कह खा नहीं आता है, बार खड़ी नहीं आता है, किताबें पढ़नी नहीं आती हैं, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, मैथ के सवाल नहीं आते, जोड़ घटाना कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल स्कूल जाइए, ठीक है। 15 जून तक, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 15 जून तक आपके जो स्कूल हैं वो खुले हुए हैं, ठीक है। मैं बोला था ना पिछले दिन से, यानी कि 11 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जून तक है जो आपके स्कूल खुले रहेंगे, ठीक है। किसी को भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो वो स्कूल जा सकता है और अपने डाउट्स हैं वो दूर कर सकता है और अपने टीचर की हेल्प ले सकता है। सभी लोग को जाना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है किसी को जोड़ नहीं आए, घटाना नहीं आए, गुणा भाग ये सब नहीं आए, क्योंकि आप 5वीं तक के स्टूडेंट हैं, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, किताबें पढ़ने आनी चाहिए। भाई सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि किताबें वो पढ़ना जानते हों और बहुत अच्छे से जोड़ घटा बाकी गुणा भाग ये सब चीज़ें उनको आनी चाहिए। तो सभी बच्चे जो पूछ रहे थे कि भाई सर वैकेशंस का क्या सीन है, तो वैकेशन तो भाई चालू हो चुके हैं, 1-2 के वैकेशन स्टार्ट हैं, 1-2 क्लास को नहीं जाना है, उनके होमवर्क्स उनके टीचर उनको भेज देंगे, बाकी 3-4-5 के बच्चे जा सकते हैं और पेरेंट्स की सहमति से, ठीक है, आपके मम्मी पापा सहमत हैं कि भाई हमारे बच्चे को भेजना चाहते हैं, आपको एक टीचर एक वो भी परफॉर्मा भी देगा या, ठीक है, तो वो आपको भर के देना है कि आप, ठीक है, आप सहमत हैं, आपके मम्मी पापा सहमत हैं बच्चों को समर कैंप में भेजने के लिए जो मिशन बुनियाद चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके टीचर आपको प्रोवाइड करवा देंगे और किसी को भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक अपने स्कूल जाइए, ठीक है। और आपको हो सकता है सब बच्चों को बनाना मिल रहा है, 2 बनाना रोज़ मिल रहे हैं तो बनाना खाने को भी मिल सकता है, तो आप स्कूल ज़रूर जाइए, कोई भी डाउट हो अपने क्लियर करिए। और मैंने ना पिछले समर जो थे ना अपने, उसमें समर्स में ना अपन को होमवर्क आपको ना मिला था, तो वो उसके वीडियोस मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में भी हैं, और जाके आप समर वैकेशन के जो होमवर्क है वो चेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो मैं लिंक डेली के भी आपको दे दिया करूँगा। तो जल्दी से जाए और अपने जो भी डाउट्स है स्कूल में जाके जल्दी से क्लियर कर ले, 3-4-5 के बच्चे, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँ, 3-4-5 के बच्चे ज़रूर से ज़रूर जाए, ये आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। ये जो कोर्स स्टार्ट हुआ है ये आपके बेनिफिट के लिए है कि ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी ना वो छूटे नहीं, ठीक है। सभी बच्चों को सारी चीज़ें आनी चाहिए, अच्छे से किताब पढ़नी आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश मैथ ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी छोटी वो भी सारी आनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से जो भी, और जो होमवर्क की बात है कि अगर होमवर्क अगर कोई आता है आपका तो उस बारे में भी आपसे ज़रूर बात की जाइए। गुड लक, आप अच्छे से पढ़ाई करें और कोई डाउट है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं और कमेंट्स में भी अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आपको परेशानी हो तो। गुड लक, आपका दिन शुभ हो।